कैंटो रीजियन पोकेमॉन्स कम बैक इन पोकेमॉन गो। मतलब कैंटो रीजियन से ढेर सारा पोकेमॉन हमें पोकेमॉन गो 2023 एंडिंग में मिलने वाला है, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था एंड आप लोगों ने वो वीडियो देखा भी है। तो गाइस द एडमेंट टाइम करके एक इवेंट आएगा, जो इवेंट में हमें कैंटो रीजियन पोकेमॉन्स मिलने वाला है। प्लस गाइस वहां पर कुछ ऐसा पोकेमॉन्स भी रहेगा जो शाइनी बूस्टेड रहेगा एंड वो जो पोकेमॉन्स है वो भी बहुत सारे बंदों का फेवरेट पोकेमॉन्स है, ठीक है। और गाइस देखो यहां पर डीटो का भी कुछ चेंजेस होने वाला है, वो भी इंक्लूड कर दूंगा। वैसे भी मैंने डीटो के ऊपर वीडियो डाला था, तो ये भी देख लो, यहां पर भी आपको पता चल जाएगा कि वो इवेंट के दौरान आपको डीटो कैसे गेट करना है एंड भर भर के डीटो मिलेगा, सो मिस मत करना। हेलो फैमिली, कैसे हो, स्वागत है पोकेचुरे के एक नए वीडियो में। तो गाइज आज मैं वही इवेंट के बारे में बताने वाला हूं, वो इवेंट का डेट क्या होने वाला है, टाइम क्या होने वाला है, कौन सा पोकेमॉन शाइनी बूस्टेड होगा, वाइल्ड में क्या, फील्ड रिसर्च में क्या पोकेमॉन्स मिलेगा एंड डीटो आपको कैसे मिलेगा। प्लस गाइज ये इवेंट के दौरान आपको 5-स्टार रेड में लेजेंडरी पोकेमॉन्स कौन सा मिलेगा एंड मेगा रेड में आपको कौन सा पोकेमॉन मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते The Adamant Time, ये जो इवेंट है इसका डेट एंड टाइम। तो गाइज ये इवेंट स्टार्ट होगा 11th December 10 AM लोकल टाइम से ये इवेंट स्टार्ट होने वाला है एंड ये इवेंट 15 December 8 PM तक चलने वाला है, ठीक है। 11 December से 15 December तक ये इवेंट चलने वाला है। अभी गाइज ये जो आपको टाइम मिलेगा 4 days, ये 4 days आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है एंड क्या करना है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है वो मैं पहले बताता हूं, ठीक है। तो गाइस देखो यहां पर दो चीज इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ पोकेमॉन से जिसका शाइनी ऑड बहुत ही खतरनाक होने वाला है, मतलब वो पोकेमॉन आपको वाइल्ड में शाइनी मिलने का चांस बहुत ज्यादा है, तो वो पोकेमॉन्स का आपको शाइनी गेट करना है वाइल्ड से, ये है फर्स्ट। एंड सेकेंड जो है वो है डीटो को गेट करना, जिनके पास डीटो नहीं है। तो ये दोनों चीजों के ऊपर हमें फोकस करना है, उसके बाद आएगा 5-स्टार रेड एंड जो मेगा रेड होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो शाइनी ऑड्स जो पोकेमॉन का ज्यादा है वो अभी मैं आपको बताता हूं। तो गाइज वॉल्ट्रॉप, क्रैबी, पोनीटा, वुलपिक्स, ये 4 पोकेमॉन का शाइनी सबसे ज्यादा आपको वाइल्ड में मिलने वाला है। उसके बाद भी ढेर सारा पोकेमॉन वाइल्ड में मिलेगा जिसका शाइनी अवेलेबल रहेगा, लेकिन गाइज ये 4 पोकेमॉन का शाइनी सबसे ज्यादा मिलने वाला है। तो अभी गाइज आते हैं वाइल्ड में आपको कौन कौन सा पोकेमॉन मिलेगा एंड सारे पोकेमॉन्स का जो शाइनी वर्जन है वो अवेलेबल है। तो गाइज इससे पहले मैंने ये इवेंट के ऊपर जो वीडियो बनाया था वहां पर मैंने एक एक करके आपको नाम बता दिया था, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो गाइज अभी मैं आपको एक स्लाइड प्रोवाइड कर देता हूं, वो स्लाइड में जितना भी पोकेमॉन सब देखोगे सब आपको वाइल्ड में मिलने वाला है। तो गाइस जैसे आप लोग देख रहे हो ये स्लाइड में, आप जितना भी पोकेमॉन्स देख रहे हो ये सब पोकेमॉन आपको वाइल्ड में मिलने वाला है, वो भी शाइनी वर्जन अवेलेबल रहेगा। लेकिन गाइस जो 4 पोकेमॉन का नाम मैंने आपको बताया उसका शाइनी रेट सबसे ज्यादा रहने वाला है, तो वो 4 पोकेमॉन को आपको जरूर हंटिंग करना है। तो गाइस अभी आते हैं डीटो के ऊपर। तो गाइस ऐसे अमेजिंग इवेंट डिटेल्स हर रोज देखने के लिए आपको सिंपली एक काम करना है, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मोटिवेशन देने के लिए वीडियो में एक करके लाइक कर देना, ठीक है। तो चलो गाइज अभी आते हैं मेन जो मुद्दा है वो है डीटो कैसे मिलेगा ये इवेंट में, उसके बाद मैं आपको फील्ड रिसर्च के बारे में बताऊंगा एंड जो लास्ट है वो है लेजेंडरी पोकेमॉन, सो थोड़ा सा वेट करो। तो गाइज देखो डीटो कैसे मिलेगा, डीटो ये इवेंट के दौरान मतलब 11 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में आपको ढेर सारा डीटो मिलेगा, तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, टोटल 4 पोकेमॉन को फॉलो करना है। वो 4 पोकेमॉन कौन सा है अभी मैं आपको नाम बताता हूं, ऑडिश, राइहॉर्न, कॉफिन एंड गोल्डिन, ये 4 पोकेमॉन को आपको ज्यादा करके कैच करना है क्योंकि यही बदल के बनने वाला है डीटो। तो डीटो गेट करने के लिए ये टोटल 4 पोकेमॉन को आपको ये इवेंट के दौरान बहुत ज्यादा करके कैच करना है, ठीक है। तो गाइस फील्ड रिसर्च के बारे में बताने से पहले एक चीज बताता हूं, यही इवेंट के दौरान हमें एक स्पेशल रिसर्च भी मिलने वाला है, उसके साथ साथ एक टाइम रिसर्च भी मिलने वाला है। अभी गाइस जो देखते हैं गाइस टाइम रिसर्च में हमें क्या मिलेगा। प्लस गाइस यहां पर और एक चीज स्पेशल मिलने वाला है, अगर आपके पास 2018 का कोई भी पोकेमॉन आपके जो पोके स्टोरेज है वहां पर रजिस्टर्ड है, मतलब आपके पास है, तो अगर आप वो पोकेमॉन को ट्रेडिंग करोगे, जिसके साथ ट्रेड करोगे, वो गारंटेड लकी पोकेमॉन होने वाला है। ये मैंने पहले भी बताया था, तो मैंने फिर से मैंने आपको अपडेट कर दिया कि अगर आपके पास 2018 का पोकेमॉन है एंड उसको आप ट्रांसफर करना चाहते हो तो उसको कर देना, क्योंकि वो लकी पोकेमॉन होने वाला है, ठीक है। अभी गाइज आते हैं जो फील्ड रिसर्च में पोकेमॉन मिलेगा। तो गाइज फील्ड रिसर्च का जो पोकेमॉन है उसका भी नाम मैंने वो वीडियो में बताया था, जो आप चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो गाइज अभी मैं आपको स्लाइड प्रोवाइड कर देता हूं, जैसे गाइज ये स्लाइड में आप लोग देख रहे हो यहां पर जितना भी पोकेमॉन देख रहे हो सबका शाइनीज भी अवेलेबल है एंड ये पोकेमॉन सबको फील्ड रिसर्च कंप्लीट करने के बाद मिलेगा। तो गाइज इवेंट के दौरान आपको फील्ड रिसर्च भी जरूर कंप्लीट करना है। तो गाइज अभी आएंगे लेजेंडरी पोकेमॉन। तो लेजेंडरी पोकेमॉन इंपॉर्टेंट क्यों है अभी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जब आप बैटल करते हो लाइक पीवीपी बैटल करते
करते हो, फ्रेंड्स के साथ बैटल करते हो, रेड बैटल करते हो, ढेर सारा बैटल का ऑप्शन होता है। उसके साथ साथ देखो टीम रॉकेट के साथ भी आप लोग बैटल करते हो। तो बैटल करने के लिए लेजेंडरी पोकेमॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस अगर आप दोस्तों के साथ बैटल करना चाहते हो एंड फ्रेंडशिप करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसमें जाके सब्सक्राइब कर देना एंड वहां पर ही मेरा ग्रुप का लिंक मिलेगा, ग्रुप में जाके ज्वाइन हो जाना। तो एक दूसरे के साथ आप लोग बैटल भी कर सकते हो एंड मैं ये भी सोच रहा हूं बहुत जल्दी एक छोटा मोटा एक टूर्नामेंट किया जाए, ठीक है, विंटर में हम लोग एक टूर्नामेंट कर सकते हो। तो वो भी मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा कि कैसे आपको टूर्नामेंट में ज्वाइन होना है। प्लस गाइस डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, मुझे पता है बहुत लोग इंस्टाग्राम यूज करते हो तो इंस्टाग्राम में जाके मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है। तो गाइस अभी आते हैं फाइव स्टार रेड। तो गाइस फाइव स्टार रेड में आपको मिलने वाला है जेक्रम पोकेमॉन, जेक्रम पोकेमॉन आपको फाइव स्टार रेड में मिलेगा एंड मेगा रेड में मिलने वाला है मेगा ऑल्टेरिया। तो गाइस ये दोनों पोकेमॉन का ही शाइनी वर्जन अवेलेबल रहेगा, तो अगर आप बहुत लकी हुए तो आपको वहां पर शाइनी भी मिल सकता है। तो गाइस यही था टोटल डिटेल्स इवेंट का। ये इवेंट में आपको जरूर पार्टिसिपेट करना है क्योंकि कैंटो पोकेमॉन्स आ रहा है, बहुत ही प्यारा पोकेमॉन्स है एंड शाइनी भी मिलेगा ढेर सारा करके। तो चार्मेंडर, बल्बसोर, स्क्वाटल, बहुत लोग पूछते थे चार्मेंडर कैसे मिलेगा, वो चार्मेंडर भी भर भर के मिलने वाला है, तो उसको आप इवॉल्व भी कर सकते हो। तो चलो गाइस आज के लिए वीडियो इतना ही था, आई होप कि आपको मजा आया वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो में लाइक कर देना, चैनल में ना तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।